अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग गुड। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसका टॉपिक है प्रोडक्ट रिसर्च। इसमें हम कवर करेंगे एक ही मेथड से दो प्रोडक्ट रिसर्च के तरीके, एक ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए और दूसरा ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो पाकिस्तानी अकाउंट के डिटेल सस्पेंड हो रहे हैं, उनसे अवॉइड करने के लिए अब ये करना पड़ रहा है जो अकाउंट बच चुके हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रॉप शिपिंग अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं, और अगर जो लोग स्टिल अभी भी कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तानी डिटेल अकाउंट पे, तो 80-90% चांस है कि वो भी सस्पेंड हो जाएंगे। ये एक टूल है सोर्स मगूल, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आप ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स भी हंट कर सकते हैं और इसके साथ ऑनलाइन आर्बिट्राज की भी अच्छी खासी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। बेहतर है कि आप स्विच कर लें जल्दी ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ, क्योंकि अभी ये एक तो लो इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाला बिजनेस मॉडल है और दूसरा इसमें थोड़ा रिस्क कम है कंपेयर टू, रिस्क इसमें बहुत कम है कंपेयर टू ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में रिस्क बहुत है और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी अकाउंट तो उड़ रहे हैं। बेहतर है अभी ये किया जाए जो पाकिस्तानी डिटेल अकाउंट हैं स्पेशली उन पर। तो देखते हैं कि आज हम किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए और मुख्तलिफ सप्लायर को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने ये टूल है, आपको टूल प्रोवाइडर से 1500 से 2500 के दरमियान ये टूल मिल जाएगा सोर्स मगूल, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इससे प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं DS की भी और ऑनलाइन आर्बिट्राज की, और इसमें ऑब्वियसली सारे सप्लायर हैं जो USA के मोस्ट पॉपुलर सप्लायर हैं, तो ये सारे कवर हो जाएंगे। आपने सिंपली लॉगिन करने के बाद इसको बाय रिटेलर पे क्लिक करना है। आपने यहाँ से एक वेंडर चूज कर लेना है, सैम्स क्लब वट एवर, जो भी जहाँ से आप सोर्स करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम वॉलमार्ट ही कर लेते हैं और सर्च सेलेक्ट कर लेनी है। सर्च सेलेक्ट करने के बाद कंप्लीट सर्च पे आएंगे तो ऑलरेडी जो सर्चेस की हुई हैं इसने या जो आपने सर्च की हैं वो सारी यहाँ पे शो होंगी। फॉर एग्जांपल हम वॉलमार्ट की देखना चाहते हैं, हमने वॉलमार्ट की भी पहले कर रखी है, और इसमें अमेजोन की, कास्को वगैरह सारी जो इसके मेन सप्लायर हैं USA के, UK के, उसकी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स आ गए, यहाँ पे आप अपना क्राइटेरिया फुल कर सकते हैं, ROI कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, सेल्स रैंक नंबर में कितना होना चाहिए। तो आप अगर ड्रॉप शिप के लिए कर रहे हैं तो 80 से 90 हज़ार ठीक है, और अगर आप कर रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए तो फिर 50 हज़ार मिनिमम सर सेलेक्ट करना है। इसके बाद और क्राइटेरिया पुट कर सकते हैं, इसके एक्यूरेसी लेवल जो हो फुल कर देना है ताकि जितने रिजल्ट हो 100% एक्यूरेट शो करे। इसमें थोड़ी प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे लेकिन आपको जो भी डेटा शो होगा एक्यूरेट होगा। सप्लायर टाइटल को भी छोड़ दें, अमेजोन टाइटल कैटेगरी भी छोड़ दें, सारी कैटेगरी। सेलर जो होने चाहिए मिनिमम 4 से 5 तो होने चाहिए। ये हाइड मल्टीपल पैक भी आने दें, चलें इसको भी छोड़ दें। सप्लायर प्राइस को छोड़ दें, अमेजोन प्राइस अगर आप कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए तो फिर इसको रहने दें, कुछ सेलेक्ट ना करें, और अगर आप करें ऑनलाइन आर्बिट्राज का तो फिर मिनिमम 20 कर लें, यहाँ से 15 भी कर सकते हैं लेकिन 20 ठीक होगा। यहाँ पे हाइड विदाउट बाय बॉक्स सप्रेस लिस्टिंग हाइड कर देगा इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद। अगर आप करना चाह रहे हैं कि आप हाइड ना करें तो उसके बाद आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए, ये क्राइटेरिया जो आपने सेट किया है इसको यूज़ करने के लिए आप सेव भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आ गई है एक टॉप पे, ये देखें वॉलमार्ट पे ये 245 की है और अमेजोन पर 349 की। आपने यहाँ से एड्रेस चेंज कर लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही होगी। 6 सेलर हैं, यहाँ पे अमेजोन बैठा है तो इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज अगर अमेजोन नहीं है तो आप बाकी सारा क्राइटेरिया मैच कर लें। अनगाइडेड कैटेगरी भी ना हो,
लिक्विड ना हो, साइज 2-3 किलो से कम हो, जितना थोड़ा साइज होगा, जितना थोड़ा साइज होगा उतनी प्रोडक्ट अच्छी होगी। बीएसआर भी यहाँ पे अच्छा है इसका, तो मतलब ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन इस पर अमेजोन बैठा हुआ है। यहाँ पे आप रेवेन्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आपको कितने की मिल रही है, 245 टैक्स वगैरह लगा के, अगर आपको 250 की भी पड़े पर यूनिट तो आपको $65 प्रॉफिट होगा। तो इस तरह आप इससे आप ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, ये करंटली इन स्टॉक भी है। हो सकता है कुछ आइटम्स ऐसे भी हों जो आउट ऑफ स्टॉक हों, तो अगर वालमार्ट वो सेल कर रहा है तो वो बहुत जल्दी इन स्टॉक हो जाएंगे, इन 24 आवर्स, मैक्सिमम 3 दिन लग सकते हैं वो इन स्टॉक हो जाएंगे। तो आप वेट कर लें ऐसी प्रोडक्ट्स का, और आप एक ही प्रोडक्ट पे रिलाई ना करें, जैसे कि ये आप अमेज़ोन जिसमें बैठा हुआ है, कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट ना करें अमेज़ोन और ब्रांड, क्योंकि अगर आप वो प्रोडक्ट करेंगे या ऐसी प्रोडक्ट जिसमें सेलर के पास FBA सेलर के पास स्टॉक ज़्यादा है, अगर तो FBM सेलर 2000 स्टॉक भी ले कर बैठा है तो इसका मतलब है वो ड्रॉप शिपर है। FBM सेलर पे नहीं डिपेंड करता इस चीज़ का, इस पे FBA सेलर जिसका स्टॉक अमेज़ोन के पास है, अगर वो ज़्यादा स्टॉक ले कर बैठा है तो उसके ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको बाई बॉक्स बहुत ही कम मिलेगा। ये एक और प्रोडक्ट पड़ी है वॉलमार्ट पे 36 की है और 76 की है अमेज़ोन पे, इसका भी मैच कर लेते हैं, अगर क्राइटेरिया को मैच करती है तो ये भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस पे इस टूल के ज़रिए आप ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स सप्रेस लिस्टिंग, ज़्यादातर आप सप्रेस लिस्टिंग भी ढूंढ सकते हैं जो कि आपको न्यू अकाउंट पे हेल्पफुल होती है। अगर आपका अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल है तो फिर आप ड्रॉप शिपिंग का उस पर सोचे भी ना, आप जस्ट आर्बिट्राज या होलसेल की तरफ जाएं। पाकिस्तानियों का बजट इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो PL करें, सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा होलसेल की तरफ या फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ जाते हैं। इस तरह आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मैच कर सकते हैं और यहाँ से फाइंड कर सकते हैं सप्रेस लिस्टिंग्स भी, ड्रॉपशिप के लिए भी, होलसेल के लिए भी मिल जाती हैं, लेकिन होलसेल के लिए और भी टूल्स यूज़ होते हैं, मैन्युअली भी होती है, उसके लिए ब्रांड रिक्वायर्ड होते हैं अप्रूवल, तो उसके लिए फिर और क्राइटेरिया है। दूसरा तरीका भी है मैनुअल हंटिंग का। मैनुअल हंटिंग में आप किसी भी FBA स्टोर को अगर आप कर रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज को, तो आप ऐसे स्टोर को ओपन कर लें जो FBA कर रहा है, और अगर आप कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए तो आप एक ऐसे स्टोर को ओपन कर लें जो FBM कर रहा है, उसके स्टोर को ओपन कर लें, उसने ऑलरेडी प्रोडक्ट हंट की होंगी। अच्छी प्रोडक्ट्स ज़ाहिर है, कोई भी अपने स्टोर पे बुरी प्रोडक्ट्स तो नहीं लगाएगा जो सेल ना होती हों या जिनमें मार्जिन ना हो, तो आप भी उसके स्टोर से कॉपी कर सकते हैं। आप उसका वेंडर ढूंढ लें कहाँ से वो सोर्स कर रहा है, थोड़ी प्रोडक्ट्स यानी कि लगी हुई हैं तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक ही वेंडर यूज़ कर रहा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़्यादा वेंडर्स यूज़ कर रहा हो, 3-4 से सोर्सिंग कर रहा हो, तो आप इसको थोड़ा रिसर्च करने के बाद आप मैनुअली हंटिंग भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।